कि जिस भजन में राम का बोलो नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 क्या लिखा है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के धोखे से, इसमें भगवान का नाम है क्या? बोलो एक परदेशी मेरा दिल ले गया, इसमें भगवान का नाम है क्या? 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा, क्या भूत था जो मर के ही नहीं दिया 100 साल से, इसमें भगवान का नाम है? ऐसे अश्लील गानों को अपने घरों में मत बजने दो सज्जन, बहिष्कार कर दो, समाज सुधर जाएगा। जिस भजन में प्रभु जी का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में प्रभु जी का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना ना 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 चाहिए। उस भजन में प्रभु जी का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य जिसमें भगवान का नाम ना आए ऐसे गाने को मत गाओ। आज फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक तो को इतने इतनी चीजें चल रही है, सब कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल रात के 3 बजे तक। जबकि शास्त्र क्या कहता है, क्या कहता है शास्त्र? अर्ली टू वेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी जग जाना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। लोग ये कहते हैं कि जिसने लोग ये कहते हैं कि भगवान को नहीं देखा, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा। हमें 4 बजे अपने बिस्तर को त्याग देना चाहिए। बोलो उठना चाहिए 4 बजे के नहीं, लेकिन 4 बजे कौन उठेगा? 3 बजे तक तुम फेसबुक चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे, चैटिंग करोगे, तो 4 बजे का तुम्हारे पड़ोसी उठेंगे। बोलो बताया। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और चाहे भैया कितनो दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। उसे भेद छुपाना ना चाहिए। उसे भेद छुपाना ना चाहिए। क्या बताया? चाहे भैया कितनो बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। देखिए जब तक लाला को ब्याह ना होए तब तक तो मम्मी है, मैया है, माता जी है, और लाला को ब्याह है जाए बहू घर में आवे तो मम्मी पापा कौन हो गए? बुड्ढा और बुढ़िया। अब वो सास ससुर कौन हो गए? मम्मी और बाबा। यानी 2 मिनट में बदल गया रिश्ता। विवाह होके घर आयो नहीं कि मम्मी पापा तो बुड्ढा बुढ़िया हो गए और सास ससुर कौन हो गए? मम्मी और पापा। भैया दुश्मन हो गया साले भैया हो गए, साले भैया हो गए, भैया दुश्मन हो गया। एक बात मैं कड़वी कहूं, चाहे भैया दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। उसे भेद छुपाना ना चाहिए।
आपके लिए भी बात कह दूं, चाहे पत्नी चाहे पत्नी कितनी हो प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी हो प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये बात सही है, पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना, अगर भेद नहीं बताओगे तो समझ लो खोपड़ो फोड़ देगी, मर जाएगी और मार देगी, बोले हम आदमी बहुत करा दे। अगर भैया के पास बैठ गया, मैया के पास बैठ गया, टेंशन हो गई, चाहे पत्नी के पास सारी जिंदगी निकाल दे, बीवी बच्चों में सारी जिंदगी बर्बाद कर दे। भैया को भेद नहीं छुपाना चाहिए और पत्नी को पता ना चाहिए, इसका कारण क्या है? जब वो धर्मराज अपने भाइयों की अस्थि विसर्जन करने के लिए तिगरी घाट पर आए तो अपने भैया की अस्थि को विसर्जन कर दिया और मैया से बोले, मैया नो बता दे अब कोई तो ना बच्चो, भैया सबकी अस्थि विसर्जन हो गई। बोले एक रह गया है, कौन? बोले कर्ण। क्या कहा भैया? इस सूद पुत्र को तुम मेरा भैया कहती हो? बोले खबरदार, जो तूने सूद पुत्र कहा, ये सूद पुत्र नहीं है, सूर्य पुत्र है, ये तेरा भैया है। बोले मेरा भैया? हाँ। क्या मतलब? मैया ने सारा वृतांत बताया, मैंने सूर्य की आराधना की और क्वारे पर ये मैंने कर्ण को जन्म दिया और ये जन्म दिया, ये तेरा भैया है। और कहने लगी, जिस समय कर्ण और अर्जुन युद्ध के आमने सामने थे तो उस समय ना कर्ण का युद्ध हो रहा था ना अर्जुन का युद्ध हो रहा था, युद्ध तो इस मैया का हो रहा था। अगर कर्ण मर गया तो मेरा गया और अर्जुन मर गया तो मेरा गया। भैया ये कर्ण हमारा भैया था, तूने बताया क्यों नहीं? तूने कर्ण जैसे भैया को मरवा दिया, तूने कर्ण जैसे भैया को मरवा दिया, मैं अपने भैया को मरने नहीं देता। गंगा जी का जल उठाया, साप दे दिया, मैया तूने अपने पेट में ये बात दफन कर दी, अगर तू अपनी बात को नहीं छुपाती तो आज मेरा भैया योदा भैया मारा नहीं जाता, मैं भैया को बचा लेता। साप दे दिया, जाओ मैं साफ देता हूं आज से किसी भी मैया के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। देखो अगर किसी को ना बताना हो तो पत्नी को मत बताओ, तो किसी को पता नहीं लगेगी, और सबको बताना हो तो पत्नी को बता दो। पत्नी को सिर्फ एक बात बता दो, बोले एक बात कहूं, किसी से कहोगी तो नहीं, बोले तुम्हारी सौगत नहीं कहूंगी। पति ने बता दिया, अब बेचारी के पेट में बात रुकी नहीं, पड़ोसन के पास में तुरंत फोन लगा दिया, बोले बहन एक बात कहूं अगर तू कह नहीं, बोले तेरी सौगंध में बिल्कुल नहीं कहूंगी, बोले हमारे पति ने ऐसा वैसा कर दिया। उसने दूसरी को बुलाया, गांव में हल्ला हो गया, पति बेचारा सो करके नहीं जगा के हल्ला होने लगा, इसलिए बताया। माताओं को शाप लगा हुआ है सज्जनों, के पेट में बात नहीं रुकती। चाहे भैया कितनो तो समाना हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए, उसे भेद छुपाना ना चाहिए, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना चाहे, पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु जी का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना ना 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 चाहिए, उस भजन को गाना।